वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर कवर कर रहे थे पेज नंबर 1 to 2 और चैप्टर 1 हमारा और टॉपिक हमारा अब है जो है जॉन नेपियर्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नेक्स्ट पे विच इज़ जॉन नेपियर। बैकिस मैं बता चुकी हूँ कि ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो इस्तेमाल होती थी कैलकुलेट करने के लिए, मोस्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, और आज भी ये मौजूद है, आजकल के स्कूल्स में ये मौजूद है। ठीक है, बच्चों को सिखाया जाता है, ऐसे लर्निंग उनकी होती है स्टार्टिंग जो है अबैकस की। कभी आप जाए ना प्ले ग्रुप नर्सरी में, वहाँ ये पढ़ा होगा अबैकस, उसमें मोटे मोटे बीड्स जो है वो स्ट्रंग हुए भी होंगे हॉरिजॉन्टल वायर्स पे। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं जॉन नेपियर्स पे, रोल ऑफ जॉन नेपियर्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जॉन नेपियर का क्या किरदार है कि जॉन नेपियर ने जो है एक ऐसी जो है एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, क्रिएटेड लॉगरिथम टेबल टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन। उन्होंने एक टेबल बनाया जिसे कैलकुलेशन की जा सकती थी, और मोस्टली इससे मल्टीप्लिकेशन का काम किया जाता था, काफ़ी इजी कर दिया मल्टीप्लिकेशन को। ऑल्सो क्रिएटेड अ डिवाइस नोन एज नेपियर बोन्स, एक डिवाइस भी बनाई जिसे कहा जाता है नेपियर बोन। द डिवाइस यूज्ड रॉड्स टू परफॉर्म मैथमेटिक कैलकुलेशन, इट वाज डिजाइन इन द अर्ली 17th century। तो 17th century में यानी कि 17वीं सदी में ये डिवाइस जो थी ये कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होती थी, और मोस्टली मल्टीप्लिकेशन। डिवाइस वॉज यूज बाई अकाउंटेंट्स एंड बुक कीपर्स। ठीक है, तो ये जो उस वक्त के जो दुकानदार थे वो इसको रखा करते थे ताकि वो उससे कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, ये आपके सामने ये पिक है जो है जॉन नेपियर्स की, और ये जो है ये नेपियर बोन्स की, ये जो है ये डिवाइस है, ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है। कभी देखे ना गौर से इसको, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल है पूरा। ठीक है, ये 3 का टेबल है, नीचे वाले जो है बॉक्स में 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा जो है 14, और इसी तरीके से तमाम यहाँ पे टेबल्स मौजूद हैं, और कैलकुलेशन जो है इसी के थ्रू की जाती थी या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम जो है वॉज यूज टू डिवेलप स्लाइड रूल। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर स्लाइड रूल बनाया गया। ये एक रूल है, कह रहे रूलर जैसे होता है ना, स्केल है, फुट्टा जो होता है पंजाबी में। ठीक है, और जो है स्केल के ऊपर ये कैलकुलेशन की जाती थी। द मॉडर्न स्लाइड रूल कुड बी यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन, इसके ऊपर भी कैलकुलेशन की जाती थी। ये एक जो है इसकी यूँ एक पट्टी स्केल की होती थी, और जो है इसके ऊपर स्केल के ऊपर नाप नाप कर कैलकुलेशन इसमें की जाती थी। इट वॉज़ यूज टू कैलकुलेट स्केयर स्केयर रूट्स एंड लॉग्स एंड कोसाइन, इसके ऊपर डाटा इस तरह दर्ज किया हुआ था, इस तरह लिखा हुआ था कि आप इसके ऊपर जो है स्केयर या स्केयर रूट्स या फिर साइन या कोसाइन, ये दोनों मालूम आप इसके ऊपर कर सकते थे, और मज़ीद भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, द स्लाइड रूल वॉज यूज टिल द मिडल 70s। तो 17वीं सदी के मिड तक ये यूज़ होता रहा है स्लाइड रूल भी। ठीक है, तो जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चे, इस टॉपिक को आप लर्न कीजिएगा अच्छे तरीके से और याद कीजिएगा। ठीक है, लर्न एंड राइट देम ताकि आपको अच्छे तरीके से ये याद हो सके। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है। बैकस के बारे में पढ़ा कि एक वुडन रैक है जो कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है बीड्स के साथ। जॉन नेपियर्स के बारे में कि इन्होंने एक ऐसी नेपियर बोन डिवाइस बनाई जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन कर सकते थे, और मोस्टली मल्टीप्लिकेशन। अब आपने इसको याद भी करना है और लर्न भी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।